हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 मई 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में, फायर फाइटर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। और दोस्तों, आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे वरुथनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन व्रत के साथ तीर्थ स्नान की भी परंपरा है। अन्न और जल दान करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। सूर्य पूजा के साथ आज दिन की शुरुआत करें और शाम को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। और भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की पूजा भी करना आज शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता है। 1 से 5 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। अब केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट खुद ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार कर सके, इसलिए उन्हें 7 मई को जमानत मिल सकी है ना। और दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अब सप्ताह में एक बार वो अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। और वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण फैसला देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने हम नाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हम नाम उम्मीदवार मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका लगाई गई कि राहुल या लालू नाम वाले दूसरे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों का नाम राहुल गांधी या लालू यादव रखे, माता पिता को कौन रोक सकता है, और नाम के कारण चुनाव लड़ने से किसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत को मिली बड़ी सफलता, ईरान ने इजरायली जहाज से बंधक बनाए सभी 16 भारतीयों को रिहा कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से इस मसले पर बातचीत भी की थी। आखिरकार भारत सरकार को शुक्रवार को ये बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल हुई। और देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, बीते वित्त वर्ष में 2.44% बढ़ी पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन की क्षमता, भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ये आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अगर लड़की को पता था कि आदमी शादीशुदा है, फिर भी उस आदमी के साथ लड़की सहमति से संबंध बनाती है, दोनों के बीच अगर संबंध बनते हैं, तो ऐसे केस में लड़की उस आदमी पर रेप या बलात्कार का केस दर्ज नहीं करा सकती है। एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि उसे शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ ये अपराध किया गया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की, कहा कि सफल विवाह का आधार है सहनशीलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक पति पत्नी को छोटी मोटी बातों को तुल नहीं देना चाहिए, तभी उनका सफल विवाह और सुखमय जीवन संपन्न हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गर्मियों में राहगीरों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार का नया प्लान, मुफ्त में मिलेगा ठंडा पानी। भजनलाल सरकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खोलेगी पियाऊ। और राजस्थान में एक नया नियम ये भी लागू कर दिया, प्राइवेट स्कूलों में निरीक्षण करेगा अब शिक्षा विभाग, स्टेट लेवल पर होगी मॉनिटरिंग। इतने दिन सरकारी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी स्कूलों की होती थी, लेकिन अब राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में भी अभिभावकों की शिकायतों को निवारण करने के लिए प्राइवेट स्कूलों का भी निरीक्षण करेगा सरकारी शिक्षा विभाग, और इसके लिए सभी जिलों में जिला स्तर पर कमेटी भी बनाई जाएगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में CAA और राम मंदिर का जिक्र किया, भारत की बात करते हुए, तो भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। UN में भारत बोला कि पाकिस्तान अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखे। पाकिस्तान ने जब CAA और राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो भारत ने कहा कि हमने धर्म को पनाह दी है, जबकि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर लगातार भेदभाव और हिंसा होती रही है। जिसको खुद के देश का नहीं मालूम, वो दूसरे देशों की शिकायत कर रहा है UN से, देखिए जरा। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी मीडिया में एक दावा किया गया, उसके बाद दुनिया भर में डर का माहौल पैदा हो गया। दावा ये था कि भारत के जासूस दुनिया भर में फैले हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के इस दावे के बाद पाकिस्तान भी खौफ में आ गया, संयुक्त राष्ट्र को याद करने लगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का जासूसी नेटवर्क कई महाद्वीपों तक फैल गया है और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया पाकिस्तान ने। देखिए, बेटे से कुछ हो नहीं रहा, काका जी से जाकर शिकायत कर रहा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा मुझे। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मसाला विवाद जो चल रहा है आजकल। इस बीच अब डाबर कंपनी का कहना कि भारत में बिकने वाले मसालों में नहीं मिलाते हैं कीटनाशक। जो पेस्टिसाइड मिलाने की बात हो रही थी कि इससे कैंसर वगैरह होता है, तो इस कंट्रोवर्सी के बीच डाबर ने यह बयान दिया। हालांकि अभी मसाला कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंस्पेक्शन भी करवा रहा, उनके सैंपल और टेस्टिंग कर रहा FSSAI। भारत में मसाले बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन निरीक्षण किया जाएगा, और ना सिर्फ मसालों की बल्कि दोस्तों भारत के चावल, मसाले, डेयरी उत्पाद समेत अन्य चीजों की भी जाँच होगी। यहाँ तक की फल, सब्जियों और मछलियों के लिए भी सैंपल लिए जाएंगे। FSSAI की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। चलिए खबर है, आज 4 मई को हिमाचल प्रदेश शिमला के दौरे पर पहुंचेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये 4 दिन तक 8 मई तक हिमाचल में ही रुकेगी, कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर
पर देखिए दुनिया की पहली सीएनजी बाइक 18 जून को लॉन्च होगी। बजाज ब्रूजर 125 सीएनजी इसका नाम होगा। पेट्रोल बाइक की तुलना में आधी कीमत में चलेगी, ये मतलब माइलेज दुगुना देगी। और देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर, छत्तीसगढ़ में बीएसएफ जवानों से भरी बस पेड़ से टकरा गई। 17 जवान घायल हो गए, 4 जवानों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। चुनावी ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी जवान की जान नहीं गई। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, मणिपुर राज्य में हिंसा को फैले हुए एक साल हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों। राज्य में सामान्य हालात होना तो दूर की बात है, अभी भी 250 राहत शिविरों में 58,000 से ज्यादा लोगों का संघर्ष जारी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही मणिपुर में हिंसा के चलते। और देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट, देश भर में गहराया जल संकट। दक्षिण भारत की स्थिति काफी चिंताजनक है, जलाशयों का स्तर घटकर मात्र 16% बचा। सीडब्ल्यूसी 150 जलाशयों में जल भंडारण की निगरानी करती है और साप्ताहिक बुलेटिन जारी करती है। मैंने आपको पिछले सप्ताह भी इसके बुलेटिन के बारे में बताया था। अभी भी आयोग का कहना कि दक्षिण भारत में जल संकट सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत के राज्यों में अभी जल की कमी चल रही है बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको बढ़ाओ, नारा तो आपको याद है ना, हमेशा इसे फॉलो करें। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर वाली सड़क फिलहाल नहीं खोली जाएगी। 1980 के दशक में बंद कर दिया था इसे और तब से ये बंद पड़ी है। वही देखिए दोस्तों, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से गुजरात से योग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 50 दिन का काउंटडाउन शुरू हुआ और इस प्रोग्राम के तहत 20 जून तक देश भर के अलग अलग शहरों में योगाभ्यास का कार्य करवाया जाएगा। केंद्रीय आयुष सचिव का कहना है कि अब योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक वैश्विक मंच बन चुका है हमारा भारत। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, सस्ते कर्ज के लिए अक्टूबर तक करना होगा इंतजार। आरबीआई की तीसरी तिमाही तक रेपो रेट की दरों में कटौती की उम्मीद दिख रही है, ये अर्थशास्त्रियों का, हमारे भारत के इकोनॉमिस्ट का मानना है। और एक बड़ी शानदार खबर देखिए, नौकरी पैसा लोगों के लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ देगा 50,000 रुपए का बोनस, बस आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें अगर व्यक्ति कुछ शर्तों को फॉलो कर लेता है तो उसे 50,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। अब देखिए जरा क्या है शर्तें, तो सभी पीएफ खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे नौकरी बदलने के बाद भी उसी पीएफ खाते में अपना योगदान यानी पैसे जमा करना जारी रखें। इससे उन्हें लगातार 20 सालों तक एक ही खाते में योगदान करने के बाद लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। कुछ ही समय पहले सीबीडीटी की तरफ से भी डेटा जारी किए गए, जिसमें 20 सालों तक अपने पीएफ खाते में जिन भी लोगों ने लगातार योगदान दिया है, केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी और उन सभी सब्सक्राइबर्स को, पीएफ खाताधारकों को 50,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। जो 20 सालों तक मतलब अपने पीएफ खाते में लगातार पैसा जमा कर रहे हैं ना, उन्हें ये 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। अब ये अलग अलग अमाउंट के अकॉर्डिंग बेनिफिट थोड़ा अलग अलग हो सकता है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम अनुदान 50,000 रुपए तक का रहेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के ट्रेन ड्राइवरों की कुछ मांगों में समाधान के लिए हमारी सरकार राजी हुई और एक समिति का गठन किया गया है। अब ट्रेन ड्राइवरों को खाने पीने के लिए, टॉयलेट करने के लिए शॉर्ट ब्रेक भी मिल पाएगा। पहली बार साल 2009 में भारतीय रेलवे लोको रनिंग मैन संगठन के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था। तो आखिरकार अब राहत की बात यह कि उनके काफी मांगों को सरकार ने मान लिया है और केंद्र सरकार ने ट्रेनों के चालकों की खाने और टॉयलेट के लिए एक निश्चित अवधि का शॉर्ट ब्रेक देने की पुरानी मांग का समाधान निकालने पर सहमति जताई है। लेबर मिनिस्ट्री ने रेलवे के लोको पायलट को ड्यूटी के दौरान ये कुछ छूट देने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को फिर झटका लगा। 10-15% तक आपका पॉलिसी का बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है। वजह यह दोस्तों कि हाल ही में बीमा रेगुलेटर IRDAI की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और इसके चलते इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका असर आने वाले समय में बीमा प्रीमियम पर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि नए नियम के मुताबिक अब इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल का इंतजार करना होगा। ना कुछ और डिटेल भी आप देख सकते हैं इन बदलावों की, जिस वजह से कि आपकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 7.5% से 12.5% तक बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार की तरफ से टेलीकॉम ग्राहकों के डेटा जारी किए गए। देश में दूर संचार ग्राहकों की संख्या मार्च महीने में बढ़कर 119 करोड़ हो चुकी है, यानी लगभग 150 करोड़ भारतवासियों में से 119 करोड़ ग्राहकों के पास मोबाइल फोन है, सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और टेलीकॉम सेवाओं का फायदा लेते हैं। दूर संचार उपभोक्ताओं की संख्या को लेकर जियो, एयरटेल ने काफी नए ग्राहक जोड़े हैं और ये ट्राई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और वहीं दोस्तों, खनन विभाग ने भी डेटा जारी किया, कहा कि खनन क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। आंकड़ों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, भारत और नाइजीरिया के बीच जल्द ही होगा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट और इससे भारत नाइजीरिया के बीच व्यापार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। चलिए कुछ लोकसभा चुनाव इलेक्शन से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी 28, शिवसेना 15 और एनसीपी 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। और महाराष्ट्र में ये राजनीतिक बदलाव के बाद भी पीएम मोदी ने कहा कि उद्धव कितनी भी गालियां दे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी बाला साहेब के प्रति श्रद्धा है। और एक खबर देखिए इलेक्शन से जुड़ी, गृह मंत्री अमित शाह, हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ FIR दर्ज हुई, चुनाव आयोग की गाइडलाइन तोड़ने का इन पर आरोप है। और उत्तर
प्रदेश रायबरेली में सपा कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा। ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे के भाई और बेटे ने ज्वाइन की भाजपा। ये सपा कांग्रेस से निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे पीएम मोदी भी 14 मई को उत्तर प्रदेश वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहले काशी विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन करेंगे और इससे पहले 13 मई को रोड शो होगा, फिर 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे पीएम। और वे देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की बिहार में 5वीं चुनावी सभा आज दरभंगा में होगी। गृह मंत्री अमित शाह 6 मई को उजियारपुर में भी रैली करेंगे। खबर है ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिलने पर पहलवानों में भी रोष देखा जा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा को महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है। देखिए राहुल गांधी बोले कि अगर हमारी सरकार आई तो अग्निवीर स्कीम को हम खत्म कर देंगे, अलग अलग नहीं होगा बल्कि एक ही होगा टैक्स। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के अकाली दल में सेंध देखी गई। तलबीर गिल पार्टी में शामिल हुए और राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय जब रायबरेली से नामांकन भरा तो वो बोले कि मेरे लिए ये भावुक पल है। माँ ने बड़े भरोसे से परिवार की कर्म भूमि सौंपी है, अमेठी मेरे लिए अलग नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के इस अलग जगह से नामांकन के फैसले पर कई राजनीतिक बयान भी देखने को मिले। देखिए आर के सिंह ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी से लड़ते क्यों चले गए रायबरेली, हारोगे ही। इंदिरा गांधी ने तारीफ की, बोले चिराग को मंत्रिमंडल में लाना है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपनी प्रतिक्रिया देने में नहीं चुके। बंगाल की रैली में पीएम मोदी बोले कि मैंने पहले ही बता दिया था राहुल को अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी। मोदी बोले टीएमसी ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, शहजादे को वायनाड से हार का डर है, अब अमेठी से रायबरेली आए, मैं कहूंगा भागो मत। और देखिए पीएम मोदी की कुछ और रैलियों के बयान। झारखंड के चाईबासा में पीएम बोले कि जब तक मोदी जिंदा है संविधान नहीं बदल सकते हैं। आदिवासियों दलितों और ओबीसी आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सका। पीएम मोदी ने कहा कि 25 साल से हेड ऑफ स्टेट हूं, एक दाग भी नहीं लगा, मतलब कि ईमानदारी से भी राजनीति संभव है। वैसे अब अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश को भी साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7 लोकसभा सीटों पर यहां भी चुनाव प्रचार करेंगे। आज 4 मई को तो कानपुर आएंगे, यहां रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे और फिर कल 5 मई को यूपी सीतापुर जाएंगे। अयोध्या का भी दौरा करेंगे रामलला के दर्शन के बाद, यहां भी रोड शो करेंगे शाम को। और देखिए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम अगर बिहार दरभंगा आए तो एम्स जरूर आए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं बोलते हैं बीजेपी के लोग। खबर है झारखंड रांची में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब की बार 400 पार के नारे भी लगे। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में प्रचार करने पहुंचे। बोले कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिल खोलकर लूटने का काम किया, इसलिए वह आज जेल में है। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। बहरहाल अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य और देश भर के तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट तो अपन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपको खुद को ही पता है ये चीज, और सीधे आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि इस सदी में अप्रैल महीना सबसे गर्म रहा। 123 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 174 सालों में बीते 10 साल सबसे गर्म रहे। 5 मई से भारत के कई राज्यों में बारिश के भी आसार हैं, तो थोड़ी बढ़ती गर्मी से ठंडक मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये सुकून भरा अपडेट आया, लू की मार से राहत मिली। कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है, किन किन राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है 5 मई तक देख सकते हैं आप। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन राज्यों में 5-6 मई को बारिश की संभावना। और उत्तराखंड केदारनाथ में देखिए भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि 10 मई से तो केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से तैयारियां भी काफी प्रभावित चल रही है। इधर झारखंड राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, अभी तक भी 5 मई तक राहत नहीं मिल सकती है। हालांकि 6 मई को झारखंड में भी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन 5 डिग्री तक तापमान और बढ़ सकता है। कई जिलों में तो ऑलरेडी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा पहुंच चुका है, और भी गर्मी अभी ज्यादा बढ़ेगी तो सावधान। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए अक्षय तृतीया से पहले सोना सस्ता हुआ। हालांकि चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट क्या चल रहा है तो देखिए सोने की कीमतों में 350 रुपए तक की गिरावट दर्ज। और अभी सोने का भाव 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। हालांकि चांदी की कीमतें 83,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर स्थिर रही, नो चेंज। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर बड़ी खबर आ रही है। लगातार तीसरे सप्ताह में घटा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार। अब इस गिरावट के पीछे कुछ बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय तनाव भी चल रहे हैं वो भी है। और भारत के मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स में ऊपरी स्तर से 1217 अंकों की गिरावट देखी गई। ये 73,878 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 172 अंक गिरा। और खबर है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सेबी ने अडानी की 6 कंपनियों को भेजा कारण बताओ नोटिस। अडानी ग्रुप को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। 6 कंपनियों की रिपोर्ट मांगी है सेबी ने। आरोप यह है कि ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों का उल्लंघन किया है अडानी ग्रुप की इन 6 कंपनियों ने। और इन कंपनियों में शामिल है अडानी पोर्ट्स, अडानी एनर्जी पावर, विल्मर, टोटल गैस समेत इन सभी कंपनियों को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अडानी एंटरप्राइजेज ने भी बताया कि 31 मार्च को समाप्ति माही पर उसे 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। हिंडनबर्ग पर अडानी के क्या 5 बड़े आरोप थे देख सकते हैं आप। वैसे अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के नतीजे भी जारी हुए दोस्तों। अडानी ग्रीन एनर्जी की चौथी तिमाही में मुनाफा 39% बढ़कर 310 करोड़ रुपए रहा। और अडानी ग्रीन एनर्जी का
फाइनेंशियल ईयर 24 में एबिटा भी 30% तक बढ़ा। 2030 तक कंपनी ने अपना लक्ष्य बढ़ाकर 50 गीगावाट किया। अडानी पोर्ट्स का भी सालाना शुद्ध लाभ 50% तक बढ़ा। कार्गो वॉल्यूम अगले साल 50 करोड़ टन पहुंचने की उम्मीद है। और अडानी एंटरप्राइजेज का चौथी तिमाही में मुनाफा 38% घटकर 450 करोड़ रुपए रहा। और देखिए एप्पल कंपनी पर भी अच्छी खबर सामने आ रही। एप्पल की भारत में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई। सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं हैं। हम पहले से भी ज्यादा फोकस करेंगे अब इंडियन मार्केट पर। वैसे एप्पल कंपनी ने भी एक बड़ा प्लान बनाया है। 9 लाख करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी कंपनी। और देखिए जनवरी फरवरी मार्च तिमाही में ही एप्पल को ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ। और खबर है गौतम सिंघानिया दोबारा रेमंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18% बढ़कर 229 करोड़ रुपए रहा। भारत के सबसे महंगे शेयर वाली कंपनी एमआरएफ का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 7.5% घटकर 379 करोड़ रुपए रहा। और कंपनी प्रति शेयर 194 रुपए का लाभांश यानी डिविडेंड भी देगी। कोल इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा 26% बढ़कर 8,640 करोड़ रहा। टाइटन कंपनी का भी शुद्ध मुनाफा 7% बढ़ा। ना तो ये कुछ कंपनियों के क्वार्टर फाइनल के नतीजे मैंने आपको बता दिए एक साथ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। शेयर बाजार को लेकर एक और खबर आ रही। शेयर बाजार के होशियारों से सलाह लेना और भी आसान होगा। सेबी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने की घोषणा की है। और इस कदम का उद्देश्य ये है शेयर मार्केट के कारोबार की सुगमता को बढ़ाना। ना तो इस संबंध में सेबी की तरफ से कुछ खास निर्देश जारी किए गए हैं जिसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे दोस्तों देश की सबसे बड़ी एक्सचेंज एनएसई ने भी डबल डिजिट तोहफा दिया। बोनस शेयर के साथ 90 रुपए का डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। FY24 की चौथी तिमाही में एनएसई का मुनाफा 20% तक बढ़ गया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में 64 और जगहों पर आग फैली, 2 लोगों की जान चली गई। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। सुलग रहे जंगल उत्तराखंड में आग से चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है, इससे अब लोग बीमार भी होने लगे हैं। वैसे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर भी एक सरकार ने चेतावनी जारी की। हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा के नाम पर लोगों के साथ साइबर ठग धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब तक ऐसी 76 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया। आप भी सावधान रहें दोस्तों, ऑफिशियल पोर्टल ये है और इसी के माध्यम से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा बुक कर सके, ध्यान रखें। चलिए खबर है तीर्थ यात्रियों के लिए बसों की नई किराया सूची भी जारी हुई। चारधाम यात्रा में 5% तक किराए में भी बढ़ोतरी हुई। ये कुछ रूट के किराए की डिटेल भी आप देख सकते हैं टेबल में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चुनाव में अब वैक्सीन वोट शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने लोगों की जान दांव पर लगाई। हाल ही में जो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद देखिए कुछ माता पिता का भी आरोप है कि उनकी लड़की की वैक्सीन लगाने के बाद जान चली गई, वो केस भी दर्ज करेंगे कंपनी पर। चलिए अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि डीप फेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो डीप फेक वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं ना, तो उन पर अब सख्त कार्रवाई होगी। वही देखिए मुंबई मेट्रो ने वोटर्स को बड़ा तोहफा दिया। वोटिंग के दिन किराए में 10% तक की छूट मिलेगी 20 मई को। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही। ईवी में इस्तेमाल हुआ फेम 2 योजना का 90% से ज्यादा बजट। 4 पहिया वाहनों में सबसे कम फंड लगा। और खबर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को दी विदेशी मुद्रा उधारी की मंजूरी। ग्राहकों में FPI भी शामिल हुआ। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। खबर है झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध खनन की CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और देखिए हरियाणा में किसान आंदोलन अभी भी जारी है। सिरसा के 15 गांवों में हुई किसानों की महापंचायत में ये फैसला लिया गया कि 20 मई तक अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर किसान भाई लोग फिर से अपने आंदोलन को बड़ा करेंगे। और बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। FD पर मिलने वाले ब्याज में कुछ बदलाव किए हैं, बढ़ोतरी की गई है। अब आपको अलग अलग टाइम पीरियड की PNB की 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर कितना ब्याज मिलेगा, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ICICI बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ जिनका मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच चुका है। कुछ और करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए। प्रतिमा सिंह को DPIIT में निदेशक नियुक्त किया गया। भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। RBI ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 पर 8% ब्याज की घोषणा की है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है माइक्रोन इंडिया की सनंद यूनिट करेगा 2025 में घरेलू सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला बैच लॉन्च। वहीं भारत अगले साल गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। भारत पे के पूर्व CEO ध्रुव बहल ने इटरनल कैपिटल VC फंड भी लॉन्च किया। अडानी ग्रीन एनर्जी को 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से मिला $40 करोड़ का फंड। 50 साल बाद डेनमार्क में गर्भपात प्रतिबंधों में मिलेगी ढील। अब 18वें सप्ताह तक भी माताएं बहनें गर्भपात करा पाएंगी, ये अनुमति होगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। फोर्स गुरखा का 5-डोर वर्जन भारत में लॉन्च हुआ। 7-सीटर SUV में आपको 4x4 ऑप्शन के साथ महिंद्रा थार से भी ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा। कीमत इसकी 18 लाख रुपए। और देखिए दोस्तों बड़ी खबर, उत्तराखंड की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी धधक रहे जंगल। रेंज कार्यालय तक पहुंची आग। 3
दिनों से जल रहा सूरजपुर नेशनल पार्क भी, और प्रशासन की लापरवाही है कि आग पर काबू पाने में अभी भी नाकाम है। वैसे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुकमा में माओवादियों के कोर इलाके में घुसी पुलिस फोर्स, रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। रेलवे से खबर है, बिहार सहरसा और पटना से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। धनबाद के रास्ते हावड़ा इंदौर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। और देखिए, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक, यूनिवर्सिटी के फ्रीज बैंक खातों को ओपन करने का निर्देश दिया। एसीएस के पाठक को बड़ा झटका लगा। चलिए कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, अब डिजी लॉकर से डाउनलोड कर पाएंगे सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। मोबाइल या आधार नंबर से भी लॉगिन करके आप जल्दी अपने नतीजे देख पाएंगे, जब सीबीएसई की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो चुका है, आप स्टेटस जान सकते हैं डिजी लॉकर ऐप के जरिए। और सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए, डीआरडीओ में 127 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास के लिए मौका, लास्ट डेट 31 मई 2024 है ना। और राजस्थान में देखिए दोस्तों, आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थियों को अपना हैंडराइटिंग का नमूना देना पड़ेगा। ये बदलाव इसलिए लागू किया ताकि कोई डमी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की जगह पर आकर बैठकर एग्जाम ना दे दें, और इसलिए सबको अब अपनी अपनी हैंडराइटिंग कंफर्म करनी होगी। वहीं देखिए, राजस्थान में 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूलों को हिंदी में कन्वर्ट करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही भजन लाल सरकार फैसला ले सकती है। और भजन लाल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत सरकार का भी एक फैसला पलटा, ईआरसीपी के लिए जमीन नीलामी रद्द कर दी। किरोड़ी बोले कि अफसर कोड़ियों के भाव बेचना चाहते थे सरकारी जमीनें। और एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हरियाणा लोकसभा चुनाव का अपडेट है। मुख्यमंत्री सैनी और राजनाथ सिंह ने ट्रैक्टर चलाया और नामांकन वगैरह के अपडेट भी आ रहे। हिमाचल में 34 सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन किया गया, चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद डीजीपी ने जारी किया आदेश। खेल समाचार पर खबर है, मुंबई आईपीएल प्लेऑफ रेस से बाहर हुई। कोलकाता ने वानखेड़े में 12 साल बाद हराया। वेंकटेश अय्यर की 50 देखने को मिली, स्टार को 4 विकेट भी मिले। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत भी दूसरे नंबर पर फिसला, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बनी। वनडे और टीम इंडिया अभी टी20 में भी टॉप पर है। चलिए खबर आ रही, दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति, 6 से 12 मिनट में पहुंचाएगी एयर टैक्सी। जल्द ही दिल्ली में एयर टैक्सी की शुरुआत भी होने वाली, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, सावधान हो जाएं, इस तरह हज करने वालों की खैर नहीं। सऊदी अरब की तरफ से हज यात्रियों के लिए एक नया नियम जारी किया। दरअसल सऊदी अरब ने हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक खास तरह का कार्ड जारी किया। इसका मकसद है फर्जी और अवैध तरीके से होने वाली हज यात्रा पर लगाम लगाया जाए, तो अब आपको ये कार्ड लेना जरूरी होगा, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने अपना बताया। 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाएगा चेंग E6, भारत और अमेरिका से पहले लॉन्च किया इस मिशन को। ओके दोस्तों, आज का एक सुविचार भी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा ना करें। अच्छे काम के लिए जो भी समय है, अभी का वो सबसे अच्छा समय है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, वृश्चिक और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कन्या राशि वालों को उपलब्धि मिलने की संभावना है। सिंह राशि के लोग गलतफहमियों का शिकार होने से बचें। कुंभ राशि के लोग विवाद भूलकर रिश्ते सुधारें। ओके, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने हाल ही में किन दो देशों में UPI सुविधा लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। कमेंट करके बताइए मुझे उन दोनों देशों के नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।